नमस्कार भाई, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपना वेब सर्वर हमेशा के लिए ऑन कर सकते हैं। जब रीस्टार्ट करते हैं तो आपका वेब सर्वर बेसिकली दोबारा से रीस्टार्ट होता होगा, सॉरी दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता होगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला है कैसे आप कौन सा कमांड से आप हमेशा के लिए वेब सर्वर ऑन कर सकते हैं, ताकि जब भी आप रीस्टार्ट करें तो आपका वेब सर्वर जो है सो अपने आप रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। तो अभी हम आपको दिखा रहते हैं बेसिकली आईपी एड्रेस कॉपी करके, इस आईपी एड्रेस पे 225 है, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वेब सर्वर ऑन है, लेकिन जब हम रीस्टार्ट करेंगे तो ये बेसिकली ऑफ हो जाएगा। तो उसके लिए पहले हमको इसको पहले वेब सर्वर को बंद करना है। तो servic सर्विस ssh stop, उसके बाद सर्विस apache टू stop, उसके बाद servic सर्विस पोस्ट ग्रे sql stop, तो देख सकते हैं उसके बाद हमारा वेब सर्वर ऑफ हो गया होगा, बेसिकली देख सकते हैं ऑफ हो गया। तो उसके बाद हम उसको हमेशा के लिए ऑन करना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए आपको एक कमांड रन करना है। वो कमांड है बेसिकली सिस्टम सी टी एल स्पेस इनेबल ssh, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद सिस्टम सी टी एल इनेबल ए पी एस सी एच ई टू अपाचे टू, उसके बाद लास्ट है सिस्टम सी टी एल सिस्टम सी टी एल इनेबल पोस्ट, ये कर दिए क्या, हाँ पोस्ट ग्रे एस क्यू एल, एंटर करेंगे। उसके बाद आपका वेब सर्वर बेसिकली हमेशा के लिए ऑन हो जाएगा। जब आप रीस्टार्ट, अरे ये क्या हुआ, अरे हाँ इसको रीस्टार्ट भी तो करना है। सर्विस अपाचे, अरे गलती हो गया, सर्विस अपाचे स्टार्ट, अरे गलती हो गया, एस ई आर बी आई सी ई ए पी एस सी एच ई एस टी ए आर टी। तो उसके बाद हमेशा के लिए आपका अपाचे सर्वर एक मिनट रुक जाए, अरे हाँ हम गलती कर रहे थे कि ये जो है यहाँ अपाचे के बाद टू नहीं लगा रहे थे, तो उसके बाद टू लगाना है। तो बेसिकली अब स्टार्ट हो गया होगा। तो ऐसे ही करके आप हमेशा के लिए स्टार्ट कर सकते हैं अपना वेब सर्वर। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय।